हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आलू टिक्की चाट की रेसिपी के साथ आई एम हियर। सो आज चलते हैं और देखते हैं कि ये कैसे बनती है मज़ेदार, डिलीशियस, क्रिस्पी एंड क्रंची फ्लेवर के साथ आलू टिक्की चाट। मुझे बताइएगा आपको कौन सी चाट ज़्यादा पसंद है। सो आज हम इसकी रेसिपी को देखते हैं। इसके साथ मैं बनाऊंगी एक बहुत मज़ेदार चटनी। तो सबसे पहले चटनी की रेसिपी की तरफ चलते हैं, जिसके लिए मैंने ये ब्लैक ब्राउन मिक्स खुबानी ले ली है जो कि हाफ के जी थी। और ये वो चटनी है जो कि अक्सर दही भल्लों के साथ भी मिलती है। लोग ज़्यादा मोस्टली सौंठ यूज़ करते हैं, बट आई डोंट पर्सनली लाइक इट। मैंने इसे ओवरनाइट सोक कर लिया था और ओवरनाइट सोक करने के बाद ये देखिए किस तरह से सॉफ्ट हो चुकी है। ठीक है, अगर मैं इसको खुद से प्रेस करूँ तो ये ईजीली मैश हो रही है। ठीक है, हम चलेंगे अपने स्टोव की तरफ और इसको करेंगे थोड़ा सा बॉयल, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसके अंदर क्या। जस्ट टू इंग्रेडिएंट है। आई एम हेयर विद माई स्टोव एंड हेयर वी गो। सो सारी खुबानी मैंने पैन में ट्रांसफ़र कर ली है और इसमें इतना पानी डाल देना है जिसमें खुबानी जो है वो डिप हो जाए, और इसको हम सिर्फ बॉयल आने का वेट करेंगे। जैसे ही बॉयल आ जाएगा, देखिए लुक एट, बहुत खूबसूरत स्टीम और एक बॉयल आ चुका है। इसके अंदर ये हाफ के जी थी तो मैंने इसके अंदर 1 कप शुगर ऐड कर दिया है, और शुगर ऐड करने के बाद जब ये शुगर अपना पानी छोड़ देगी और एक और बॉयल आ जाएगा तो ये देखिए खुबानी बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है। और इसको और कुछ नहीं करना, सिर्फ हैंड ब्लेंडर से मैंने इसको मैश कर देना है, मिक्स कर देना है। यहाँ पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट सेफ्टी मेजर कि ब्लेंड करते हुए आपने स्टोव को बंद कर देना। मैंने नहीं किया था जिससे हाथ जलने के चांसेस हो सकते हैं, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा बबल्स कर रही थी। ठीक है, अब अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। मैंने ले लिए आलू, ये है 5 से 6, इनको मैंने बड़े बड़े पीसेस में कट कर लेना है और इनको मैंने सिंपल इसी तरह से बॉयल कर देना है। मुझे बताएं आपकी फेवरेट चाट कौन सी है। हम डिफरेंट चाट की रेसिपीज़ को ट्राई ज़रूर करेंगे। तो लेकिन अभी आलू टिक्की चाट, जो कि मेरी ऑल टाइम फेवरेट है, जब मुझे क्रेविंग होती है ना किसी चीज़ की तो मैं ये ज़रूर ट्राई करती हूँ। ठीक है, आलू मैंने कर लिया बॉयल। बॉयल करने के बाद इनको सिंपल आप मैशर की हेल्प से मैश कर लें। अच्छा, आपने ज़्यादा बड़े पीसेस तो रखने ही नहीं है ना, छोटे छोटे पीसेस होंगे या बिल्कुल मैश होएगी, ये वो वाली रेसिपी है। ठीक है, तो आप इनको अच्छे से मैशर से मैश कर लें। जैसे ही आलू मैश हो गए, ये गर्म बहुत है तो हम इनको थोड़ा सा ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। मीनवाइल हम तैयार कर लेते हैं आलू टिक्की की फिलिंग को। मैंने ले लिए यहाँ पे 1/2 कप बॉयल्ड चने हैं, ये चिक पीस जिनको बोलते हैं। ये देखिए कितने अच्छे से बॉयल हैं, इनको मैं हाथ से प्रेस कर रही हूँ तो ईजीली ये भी मैश हो रहा है। ठीक है, इसी तरह से आपने सारे जो चने हैं इनको इसी तरह से पीस के, मतलब मैश करके बोल में ले लें। और इसके अंदर अब कुछ इन्ग्रीडियंट्स जाएंगे। ये है चॉप्ड ग्रीन चिली 1/2 टीस्पून जाएगी, अनियन जाएगा थोड़ा सा चॉप्ड है ये भी, ठीक है 1 टेबलस्पून के करीब आप ऐड कर दें, और साथ कोरिएंडर, हरा धनिया 1 टेबलस्पून ये भी डाल दें। ठीक है, इसके साथ साथ अब कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे हम इसके अंदर, जिसमें है सॉल्ट, चिली फ्लेक्स है, चाट मसाला है और रेड चिली पाउडर है। इंग्रेडिएंट्स आपके पास स्क्रीन के ऊपर आ रहे हैं, तो आपने सिंपल ये डाल के मिक्स कर देना, और एक अच्छा सा मिक्स देने के बाद ये हमारी फिलिंग रेडी है जो कि हमने आलू टिक्की के अंदर ऐड करनी है। आलू हमारे ठंडे हो चुके थे, मैंने इसके अंदर 2 टेबल स्पून के करीब जो है वो कॉर्नफ्लावर ऐड किया, और ज़्यादा नहीं ऐड करेंगे वरना वो मुँह में एक अजीब सा टेस्ट देता है। सो आपने जैसे इसके अंदर इसको ऐड कर दिया, चिली फ्लेक्स डालेंगे तकरीबन 1/2 टीस्पून के करीब, और हरा धनिया है ये हमने डाल देना है, ये भी आप एज पर योर टेस्ट जितना आपको पसंद है आप डाल सकते हैं। चॉप ग्रीन चिली है ये भी डाल दें, ये तकरीबन थी 1/4 to 1/2 टीस्पून, जितनी आपको समझ में आती है आप उतनी ऐड कर सकते हैं। सॉल्ट भी जाना है जो कि मैं आगे चल के डालूंगी क्योंकि मैं यहाँ भूल गई थी पहले। ठीक है, सो आपने सिंपल इसको मिक्स दे देना है, और मिक्स करने के बाद यहाँ पे मैं सॉल्ट ऐड कर दूंगी। ठीक है, एंड हेयर वी गो, इसको आप अच्छे से मिक्स दे दें और हमारा एक बहुत अच्छी सी एक डो सी बन जाएगी, और उस डो के हम बॉल्स बना के, ये देखिए ये हमारी डो रेडी हो गई है।
सम पर एक अच्छा सा मिक्स देने के बाद ना तो कॉर्नफ्लावर ज़्यादा है और ना ही, अगर कॉर्नफ्लावर ज़्यादा हो जाए ना तो इस डो का कलर वाइटिश होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, वाइट सा लगता है। तो हमने इसीलिए ज़्यादा ऐड नहीं किया, वरना उसका टिक्की का टेस्ट बड़ा अजीब सा आएगा। इसके अंदर जो हमने अपनी चनों की फिलिंग बनाई थी मैश करके, हमने वो ऐड की। और देखें, मैं इसकी एक बॉल बना लूँगी और मैं किस तरह से बना रही हूँ। ये इतने क्रिस्पी एंड कुरकुरी टिक्की होगी ना कि आप इसको वैसे भी खाएंगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा। इसी तरह से मैं अपनी सारी टिक्कियाँ रेडी कर लूँगी और ये मेरी सारी टिक्कियाँ बन के रेडी थी, ठीक है। और ये मुझे ये देखें, और इसके बाद हम इसके फ्राइंग प्रोसेस की तरफ चलते हैं। मैंने यूज़ किया है यहाँ पे तवा, आप कोई भी पैन वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर मैंने 4 टेबल स्पून के करीब घी लिया है। इफ़ यू वांट टू ऐड देन यू कैन ऐड देसी घी एज वेल, ठीक है। इसके अंदर टिक्कियाँ 1 by 1 करके मैं ऐड कर दूँगी और इनको फ्राई करना स्टार्ट करेंगे। जैसे ही ब्राउन होती जाएंगी आपने इसकी साइड्स चेंज कर देनी है और इनको प्रॉपरली ब्राउन होने देना है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आप कितनी क्रिस्पीनेस चाहते हैं, आप उतना ही इसको ब्राउन कर लें, ठीक है। ये देखें, ये पहले तो हुआ एक एक टर्न इसकी हो गई जिसमें ये अच्छे से ब्राउन थोड़ी थोड़ी सी हो रही है। इस स्टेज के ऊपर आप इनको हाफ डन करके भी छोड़ सकते हैं कि लाइक अगर आपके पास टाइम है तो आप हाफ डन करके छोड़ दें, और वरना अदरवाइज आप थोड़ी देर के बाद कर लें। ये देखें, मैंने प्रॉपरली इनको कुक किया, थोड़ा सा मैश कर प्रेस कर लिया इनको, प्रेस करके तो मैंने इनको प्रॉपरली ब्राउन कर लिया। ये देखें, मैं मज़ीद कर रही हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किस तरह से करना है। चाट के अंदर इसका क्रिस्पीनेस होना ये बहुत ज़रूरी है। और ये देखिए, मैंने कोई इसके ऊपर कोटिंग नहीं की किसी चीज़ की, तो आप सिंपल इसको इसी तरह से शैलो फ्राई कर लें, ठीक है, प्रेस करते हुए। इससे ये बहुत मज़े का क्रंच आएगा और इनका कलर ब्राउन हो जाएगा, हो जाएंगी। इट मीन्स कि रेडी हैं। आप इनको हल्की आंच पे छोड़ भी सकते हैं, बट मैं इनको असेंबल करूँगी। असेंबल करने के लिए खूबसूरत सी प्लेट या बोल ले लें, और मैंने इसके अंदर सिंपल 2 टिक्कियाँ 1 प्लेट के अंदर रखी। रखने के बाद मैं इनको सिंपल सर्व करूँगी। ये है ठंडी दही। आपने हल्का सा इस दही के अंदर थोड़ी सी शुगर ऐड कर देनी है, इसको माइल्ड सा स्वीट टेस्ट देने के लिए। और ये ठंडी होनी चाहिए, टिक्की गर्म होगी लेकिन दही ठंडी होनी चाहिए। इसके ऊपर अच्छे से पोर करें। पोर करने के बाद इसके ऊपर अनियन डालें थोड़ा सा चॉप्ड, और यकीन करें अनियन इस रेसिपी में जान डाल देता है, ठीक है। उसके बाद ग्रीन हरी चटनी, सिंपल पुदीना, हरी मिर्च और थोड़ा सा हरा धनिया, उसकी ये चटनी है। और इसके साथ ये भुना कुटा ज़ीरा, ये डाल दें। इसके अलावा आपने चाट मसाला ऐड कर देना है, और साथ साथ आप थोड़ा सा काला नमक ऐड कर दें, ठीक है। ये तीनों स्पाइसेस आपने ऊपर से स्प्रिंकल कर देने हैं 1 by 1 करके। और इसके अलावा जो हमने अपनी खुबानी की चटनी बनाई थी ना, वो भी ऐड कर देनी है। क्योंकि मैं हमेशा से बताती हूँ कि कुछ ना कुछ हर रेसिपी का एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट होता है, और ये वो इंग्रेडिएंट हैं जो कि आप कहेंगे दैट यू ऑलवेज क्रेव के आर यस, ये वो चीज़ है जो कि मुझे खानी ही खानी है, ठीक है। और घर में प्रॉपर हाइजीन के साथ बन जाए तो मैं कहती हूँ क्या ही कहने, ठीक है। आप मुझे बताइएगा आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट किया करें और सब्सक्राइब किया करें। आपका बहुत पॉजिटिव फीडबैक मुझे मिल रहा है, थैंक यू सो वेरी मच। और मुझे मज़ीद आपका पॉजिटिव फीडबैक चाहिए। मुझे बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। पापड़ी डालें ऊपर। एंड मैंने क्या किया था, मैंने ये 2 पालक के लीव्स लिए थे जिनको मैंने हल्का सा बेसन लगा के फ्राई कर लिया था फॉर द क्रिस्पीनेस एंड क्रंच, और मैंने इसको ऊपर ऐड कर दिया। दिस इज़ फाइनल